कोई बोलता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गुरखा है। नमस्कार दोस्तों, चाइना देख रहा है कि वो नेपाली गोरखा सैनिकों को अपनी आर्मी में शामिल करे, यानी कि PLA आर्मी में शामिल करे। और ये चीज कहीं ना कहीं इंडिया के साथ चाइना का एक मोर्चा खोलने जैसा ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया में भी गोरखा रेजिमेंट शामिल है। लेकिन आखिरकार इस पर नेपाल का रुख क्या है और नेपाली गवर्नमेंट इस पर क्या चाहती है? तो चाइना इस ओर बढ़ रहा है और वो नेपाल की गवर्नमेंट पर इस पे बात करना चाहता है कि नेपाली यूथ को PLA में शामिल किया जाए। और अगर इस पर बात बन जाती तो चाइना वो तीसरा कंट्री होगा जो कि गोरखा सैनिकों को अपनी आर्मी में भर्ती करेगा। दोस्तों, पहला यूके यानी कि ब्रिटेन, जो कि 1815 से ही नेपाली गोरखा को अपनी आर्मी में हमेशा रिक्रूट करती है। दूसरी है इंडियन आर्मी, जहां पर इंडिपेंडेंस के बाद से ही 6 गोरखा रेजिमेंट शामिल थी और अभी वो 7 हैं, जिनमें कुल मिलाकर 40,000 सोल्जर्स हैं, जिसमें से करीबन 10,000 सोल्जर्स नेपाली हैं। दोस्तों, चाइना गोरखा सैनिकों को काफी पहले से अपनी आर्मी में शामिल करना चाहती थी, क्योंकि 1962 की इंडिया चाइना की वॉर के बाद, जिसमें गोरखा सैनिक भी थे, उसके बाद चाइना ने नेपाल को तलब किया था कि वो गोरखा सैनिकों को अपनी आर्मी में चाहता है। लेकिन तब काठमांडू नेपाल ने चाइना को साफ मना कर दिया था इससे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या नेपाल इस बार चाइना को हामी भरेगा, और हो सकता है कि नेपाल इस बार इंडिया को एक बड़ा झटका भी दे सकता है, और उसके पीछे कई बड़े कारण भी है। सबसे पहली बात, इंडियन आर्मी के साथ नेपाल की बढ़ती टेंशन। दूसरी चीज है कि ब्रिटिश आर्मी में भी गोरखा सैनिक के साथ कुछ सही नहीं हो रहा पेमेंट्स के मामले में, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसे कहीं ना कहीं नेपाल गवर्नमेंट नाराज है। और तीसरा फैक्टर है करंट पॉलिटिकल सिचुएशन जो कि नेपाल में इस समय बनी हुई है। तो चलिए ब्रीफ में जानते हैं इन तीनों ही विषय को। तो इंडियन आर्मी में गोरखा सैनिकों की भर्ती को लेकर काफी इश्यूज आए हैं। जून 2022 में इंडिया की एक पॉलिसी आई जिसका नाम था अग्निवीर, और इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बिल्कुल बदल दिया गया, जिसको लेकर ना ही नेपाल के गोरखा सैनिक खुश थे और ना ही इंडियन यूथ खुश था, क्योंकि इस स्कीम के अंडर इंडियन फोर्सेस में रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस ही बदल दिया, जिसमें यूथ को कम एज पर हायर किया जाएगा और 3/4 ऑफ यूथ को वहां से निकाल दिया जाएगा 4 साल के बाद, यानी कि अर्ली रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, और इस रिटायरमेंट के बाद इनको पेंशन भी नहीं मिलेगी। और ये नेपाल के यूथ को भी नहीं पसंद, साथ ही साथ इंडियन यूथ को भी नहीं पसंद, क्योंकि अभी तक की नेपाली यूथ के लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन हुआ करता था इंडियन आर्म फोर्सेस, क्योंकि वहां पर पेमेंट्स 2.5 टाइम ज्यादा थी जो कि नेपाल में पे की जाती थी, और इसके ऊपर पेंशन एक बोनस थी, इसके ऊपर जॉब सिक्योरिटी भी, और इंडिया में सेटल डाउन होने का भी एक ऑप्शन होता था। आपको बता दी, करीबन 126,000 गोरखास पेंशनर हैं जिनको पेंशन मिलती है, जिसे नेपाल में करीबन $620 मिलियन एज ए पेंशन जाता है, जो कि काफी ज्यादा है। कंपेयर करें तो नेपाल की GDP का 3% का हिस्सा यही है। लेकिन अब जो नेपाली यूथ ज्वाइन करेगा, उनको ये सारी सुविधाएं नहीं मिलने वाली, इस वजह से कहीं ना कहीं नेपाली यूथ इससे दूर भागेगा। दोस्तों, इंडिया ने जैसे ही ये अग्निवीर स्कीम लॉन्च की थी, उस समय नेपाल के डेप्टी PM साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर भीम रावल ने पार्लियामेंट में बताया था कि ये स्कीम वॉयलेट करती है टाइप 3 ट्रीटी को, जो कि है मेमोरेंडम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ गोरखा रेजिमेंट्स, जो कि 1 मई 1947 को इंडिया और नेपाल के बीच में साइन की गई थी। तो ये कहीं ना कहीं स्कीम इस ट्रीटी का वॉयलेशन है, और नतीजा ये है कि इससे कोई भी नेपाली यूथ इंडियन गोरखा आर्मी नहीं ज्वाइन किया है। लेकिन अब दूसरी ओर चाइना देख रहा है कि वो गोरखा सैनिकों को अपनी PLA आर्मी में रिक्रूट करे, और इंडिया की काफ़ी ख़राब पॉलिसी से कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर काफ़ी बड़े असर पड़े हैं, जिसके पूरी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट जिम्मेदार है। तो दूसरा बड़ा रीज़न है कि यूके में ब्रिटिश आर्मी में भी गोरखा सैनिक कहीं ना कहीं दुखी हैं, और इसके पीछे का रीज़न काफ़ी बड़ा है। दोस्तों, इंडियन आर्मी में गोरखा सैनिकों को वो बराबर की हिस्सेदारी मिलती है जो कि एक इंडियन सोल्जर को मिलती है, यानी जो चीज़ें इंडियन सोल्जर को मिलेंगी वही गोरखा सैनिक को भी मिलेगी। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन में गोरखास को लेकर कुछ अलग ही रूल है, वहाँ पेमेंट्स में भी गोरखा सैनिकों को काफ़ी कम पे किया जाता है इन कंपैरिजन टू ब्रिटिश आर्मी के यूथ के, साथ ही साथ उनको पेंशन भी कम दी जाती है जो कि एक ब्रिटिश मैन को दी जाती है, और इसके अलावा कई पर्क्स हैं जो कि गोरखा सैनिकों को नहीं मिलते हैं। और इसको लेकर ब्रिटेन में गोरखा सैनिकों ने कई बार मोर्चा भी खोला है, कई बार भूख हड़ताल किए, स्ट्राइक्स किए और गवर्नमेंट तक भी लिखा है, लेकिन इस पर कोई भी जवाब नहीं, जिसके चलते कहीं ना कहीं यूके में भी गोरखा सैनिक परेशान हैं। कहीं ना कहीं ये दूसरा कारण भी सपोर्ट करता है कि PLA आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं गोरखा सैनिक। और तीसरा कारण है नेपाल की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन। इस समय नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है और PM है पुष्प कमल दहल प्रचंड, और गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी भी काफी ज्यादा डगमगाती रही है।
और वहीं दूसरी ओर देखें तो इस समय काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चाइना इन्वेस्ट कर रहा है नेपाल में। और कुछ ही दिन पहले नेपाल की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि चाइनीज गवर्नमेंट 80 बिलियन रुपीस के फंड्स को रिलीज किए नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के चलते, जो कि नेपाल के लिए अच्छी बात है। लेकिन चाइनीज फंड कई बार खतरनाक भी साबित हुआ है, जो कि श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव्स के केस में देखा जा सकता है। और नेपाल को फंड्स की रिक्वायरमेंट भी है जल्दी डेवलपमेंट के नाम पर। अगर इंडिया वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता तो नेपाल के लिए ऑप्शन है कि वो चाइना से फंडिंग और इन्वेस्टमेंट लेगा। तो यहाँ पर इंडिया की एक कमजोर कड़ी है कि नेपाल को इतना इन्वेस्टमेंट नहीं दे पा रहा है इंडिया, और ये पॉलिटिकल सिचुएशन चाइना की तरफ ज़्यादा शिफ्ट करती है। तो ये तीन रीज़न हो सकते हैं जिसके चलते कहीं ना कहीं चाइनीज काउंटर पार्ट ज़्यादा हैवी पड़ सकता है इंडियन काउंटर पार्ट से। पर आप सभी की क्या राय कि नेपाली गोरखा सैनिकों को चाइना की पीएलए आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि चाइना को गोरखा सैनिक क्यों चाहिए? दोस्तों, पीएलए में यानी कि चाइनीज आर्मी में गोरखा सैनिकों को ऐड करना, मुझको नहीं लगता कि चाइना स्ट्रेटेजिकली इसीलिए चाहता है। चाइना और ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहता है नेपाली कम्युनिटीज़ के साथ, जिसके चलते ये स्टेप्स मुझे लगता है कि लिए जा रहे हैं। चाइना जानता है कि नेपाल इंडिया का फ्रेंडशिप ब्रिज काफ़ी ज़्यादा पुराना है और उनके पीछे यही सब कारण रहे हैं। और चाइना भी वैसे ही इन्वॉल्वमेंट करके इस ब्रिज को थोड़ा कमज़ोर करना चाहता है। क्योंकि चाइनीज़ आर्मी की बात करें तो चाइनीज़ आर्मी नंबर के मामले में सबसे ज़्यादा है, तो नंबर की कमी तो चाइनीज़ आर्मी में है नहीं। और कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर कोई कॉम्बैट स्ट्रेटजी नहीं दिखती जिसके चलते चाइना गोरखा सैनिकों को इन्वॉल्व करे। लेकिन यहाँ पर इंडिया के काउंटर पार्ट में ये स्ट्रेटजी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। पर इसके पीछे का कारण यही है कि चाइना की आर्मी कितनी कॉम्बैट रेडी है, इसके ऊपर काफ़ी सारे सवाल और जवाब है। और बात करें बैटल फील्ड एक्सपीरियंस की तो चाइनीज़ आर्मी के पास ये काफ़ी ज़्यादा कम है। इन कंपेयर की अगर हम गोरखा सैनिकों को देखें, जिन्होंने इंडिया के साथ भी बैटल फील्ड में फाइट किए, साथ साथ उन्होंने अपना लोहा पूरी दुनिया को मनवा दिया है कि गोरखा सैनिक कितने निडर होते हैं, साथ साथ युद्ध जैसी स्थिति के लिए कितने ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। वहीं चाइनीज आर्मी की वीडियो फुटेज कई सामने आती है कि जब उनको बॉर्डर एरियाज पर ले जाया जाता है तब वो रोते हैं और उनको बॉर्डर एरियाज पर नहीं जाना होता। A group of people's liberation army soldiers can be seen crying or sobbing. तो कहीं ना कहीं उनको आर्मी में भर के ज़बरदस्ती वहाँ तक ले जाया जाता है, तो उनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी पर तो डेफिनेटली असर पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि 2020 में चाइना ने एक स्टडी को फंड किया था जिसमें वो पता लगा रहे थे कि क्यों नेपाली यूथ इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं। और इसका जवाब मैंने पीछे दे दिया कि क्यों नेपाली यूथ इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं। इस पर आपकी क्या राय कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। हो सकता है कि मेरी राय जो लास्ट में मैंने दी है वो गलत है, लेकिन अपनी राय ज़रूर लिख के दीजिएगा और मुझे सही ज़रूर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। एनआई न्यूज़।